Hello everyone, I'm Sanjay Khemka and this video we are going to discuss with you the SFM paper of May 22. May 22 में जो CA final SFM का जो paper आया था अपना, ये बहुत ही relatively easier paper था. I'm sure the ones who attempted will feel the same way with me because a lot of questions were similar to ICI mat based questions or questions from the past terms, RTPs, MTPs, wagar. So when we put a lot of stress on solving a lot of questions from past papers, from the past sums, it automatically helps, and it was clearly visible in this term wala paper. I am sure the students who have appeared for May 22 will have their own feedbacks to share, and एवरी टर्म दे विल बी मिक्सड फीडबैक्स, क्योंकि कुछ लोगों को वो पेपर्स ईजी लग रहे होंगे, कुछ को थोड़े से रिलेटिवली चैलेंजिंग भी हो सकता है लगे होंगे. मेरा पर्सपेक्टिव, मैं अपना ओपिनियन खाली बता रहा हूँ आपको, कि मुझे ये पेपर रिलेटिवली काफ़ी ईजियर लगा बिकॉज काफ़ी सारे क्वेश्चन एक्सेप्ट फॉर वन और टू, काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्टली ICI मैट या पास्ट टर्म क्वेश्चन में से थे. सो इट वॉज लाइक, मतलब फिगर्स चेंज था थोड़ा सा, बट ऑलमोस्ट डिटो सम्स थे खाली फिगर्स के डिफरेंस के साथ. So this was a relatively easier paper for the students. हाँ, एक दो थ्योरी थोड़ा सा ट्रिकी था, but we'll come towards it. In this session, what we plan to do is we will discuss each of the questions, क्या था उसमें, क्या किस तरह से आपको attempt करना चाहिए था, and we hope that you would have done it in the similar way. The ones who have studied from us, Sanjay Khemka classes में मैंने कंपेयर किया, एंड आई विल शो यू ऑन द स्क्रीन एज वेल, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस एक सिमिलर पैटर्न के हमारे क्लासेस में किए हुए थे. एवरी सम वाज सिमिलर पैटर्न सम वाज डन इन द क्लासेस. वी विल डिस्कस दैट, वी विल शो दैट टू यू ऑन स्क्रीन ऑल्सो. विल डिस्कस द सॉल्यूशंस फॉर द क्वेश्चंस दैट हैव कम अप ऑल्सो, नॉट सॉल्व इट बट डिस्कस विद यू हाउ यू शुड हैव प्रोसीडेड विद द सम इन अ जनरल जेनेरिक मैनर. प्लीज अंडरस्टैंड कि SFM के पेपर के लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना. जितना वैरायटी ऑफ सम्स आपने प्रैक्टिस किया होगा, ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं इट ऑटोमेटिकली शोज इन योर रिविजन्स, इट ऑटोमेटिकली शोज इन योर परफॉर्मेंसेस. SFM आपका फर्स्ट ट्यूशन्स में से एक होता है. बाय द टाइम वी रीच द एग्जामिनेशन का मोड, इन द लास्ट 3 month 4 month वाला मोड जो हमारा आता है, बाय द टाइम एक काफ़ी गैप हो चुका होता है. उसके लिए बीच का रिविजन्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सम्स का प्रैक्टिस किया हुआ होना, बीच में दोबारा देखा हुआ, अपना ट्यूशन करने के बाद अगर आपने 1.5 साल तक बीच में देखा नहीं हो, अप्रॉक्सीमेटली कहियो के लिए 1.5 साल का गैप होता है, अगर आपने 1.5 साल में देखा नहीं होगा तो इट्स गॉट बी अ ह्यूज बैकलॉग फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, वी एट SKC हैड ऑलमोस्ट कई सारे बड़े चैप्टर्स, फॉरेक्स वगैरह में 100 से भी ज्यादा सम्स थे जो हमने सॉल्व किए थे, 110-120 सम से भी ज्यादा सम्स हमने जो सॉल्व किए फॉरेक्स में, डेरिवेटिव्स में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह अलग, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट वगैरह अलग, दो सेपरेट, ठीक है ना. खाली प्योर फॉरेक्स, प्योर डेरिवेटिव्स वगैरह में 100 सम से ज्यादा प्रैक्टिस किया था. सो दैट इज द रीजन वाई यू नो आई हैव नेवर बीन एबल टू कम अप विद अ फास्ट ट्रैक कोर्स फॉर SFM टिल डेट. स्टूडेंट्स ऑफन आस्क मी, सर आपका कोई फास्ट ट्रैक, कोई क्रैश कोर्स है क्या, फास्ट ट्रैक है क्या ना. आई सर आई हैव नॉट बीन एबल टू कम अप बिकॉज आई कैन नॉट कम एंड से कि आप ये सब मत करो. मुझे वो इंपॉर्टेंट लगता है स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए तो मैंने उसको अपने मैट में डाला है, अपने क्लासेस में करवाया है. तो एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स को मैं करवा रहा हूं, दूसरे सेट ऑफ स्टूडेंट्स को मैं बोलूं कि आप मत करो, आई कांट डू दैट. एंड देन इफ आई एम नॉट डूइंग अ सम विद अ पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टूडेंट्स, मुझे लगेगा अगर ये आ गया तो आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू दैट स्टूडेंट्स. Which is why we never come up with a fast track or a crash course. We just have one regular course of hours, which is also quite lengthy because it's almost like 250-300 hours. But that's because we have a lot of sums that we practice, and that lot of sums that we practice is now showing because students will obviously feel the comfort in the sums that have come up in the exams. Just to start off with the paper, okay. I am sure the ones viewing this will have an overview of the paper. आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, यू हैव टू अपियर फॉर एनी 4 आउट ऑफ द रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 ए, ये फॉरेक्स का सम था, ठीक है ना.
फॉरेक्स का सम था जहां पे आपको इंपोर्ट करना था मशीन, उसके लिए आपको $15,000 देने हैं। अब ये $15,000 का या तो आप लोन लेके इंटरेस्ट क्वार्टरली रीसेट्स, क्वार्टरली रेस्ट में आप पेमेंट कर सकते हो, क्वार्टरली रेस्ट में पेमेंट कर सकते हो क्वार्टरली कंपाउंडेड, या फिर यू कैन हैव अ लेटर ऑफ क्रेडिट वाला ऑफर था, लेटर ऑफ क्रेडिट ले सकते हो 2% पर एनम का चार्जेस रहने वाला, इरेवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट वाला। टिपिकल सम होता है लोन वर्सेस लेटर ऑफ क्रेडिट वाला। ओके, कमीशन चार्जेस वगैरह दिया हुआ है, स्पॉट रेट दिया हुआ है, फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है, या तो आज लेंगे फॉरवर्ड रेट, आज स्पॉट, आज का स्पॉट रेट दिया गया है, फॉरवर्ड रेट दिया गया है, कमीशन चार्जेस जो आपने पे कर रहे होंगे दैट इज 2% फॉर 12 मंथ्स। जस्टिफाई व्हाई द फॉरेन ब्रांच ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड। एंड फिर सेकेंड पार्ट बोला, बेस्ड ऑन द प्रेजेंट मार्केट कंडीशन द कंपनी डज नॉट वॉन्ट टू हैव एक्सपेंसिव, मतलब 30,000 तक का खर्चा वो बेयर करने को तैयार है, लेकिन वो अपना करेंसी रिस्क हेज कर लेने को चाहता है। नाउ आई शो यू सिमिलर सम, आई एम श्योर द वंस आपने जहां से भी क्लासेस लिया हो, अगर क्लासेस नहीं भी लिया होगा, सेल्फ स्टडी भी किया होगा, दिस इज एन ICI मैट वाला सम, ठीक है ना, वहां पे डॉलर था, यहाँ पे येन है, एकदम ऑलमोस्ट डिटो सम है, लोन लेना है, लोन लेके 18% पे लोन ले रहे होंगे, या फिर 2% पर एनम का इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट होगा, कमीशन चार्जेस 2% इज फॉर 12 मंथ्स, प्रेजेंट रेट 180 डे, फॉरवर्ड रेट, एडवाइज द कंपनी वेदर द फॉरेन ब्रांच का ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट। एक और सिमिलर सम हमने क्लास में करवाया था, फ्रैंक के साथ में था ये, ठीक है ना, येन के साथ में, फ्रैंक के साथ में, दो दो सम किया था, एकदम डिटो सम्स है, एकदम डिटो सम्स है, और यही डिटो सम अपने लिए एग्जाम में आया हुआ वाला सम था। क्वेश्चन नंबर 1A एब्सोल्युटली अ सिमिलर सम दैट वी वे डूइंग, क्योंकि ICI मैट बेस्ड का सम था, तो आई थिंक सोल्यूशन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यू कैन इजिली गेट द सोल्यूशन इन द ICI मैट। नॉर्मल खर्चा निकालना था कि अगर अपने लोन लेते तो अपने लिए क्या कॉस्ट आ रहा होगा, ठीक है ना, मशीन का कॉस्ट, और उसके बाद अपने लिए फॉरेन ब्रांच से अगर लेते हैं तो अपने लिए क्या खर्चा, अपने लेटर ऑफ क्रेडिट पे लेते हैं तो अपने लिए क्या खर्चा आ रहा होगा, दोनों का होम करेंसी नेट अपने लिए क्या खर्चा आएगा, कितना डिफरेंस कॉस्ट आ रहा होगा, वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट के साथ दिखाना पड़ेगा। ओके, वन बी कॉल ऑप्शन डेरिवेटिव्स का सम था, तो दिस वाज अ वेरी इजी वाला डेरिवेटिव्स का सम, बट इसमें एक इंटरेस्टिंग वेरिएशन डाला था। देखना, यू हैव परचेज अ 3 month कॉल ऑप्शन फॉर अ प्रीमियम ऑफ 30 rupees, ओके, 3 महीने का कॉल ऑप्शन है, 30 rupees प्रीमियम दिया आपने, एक्सरसाइज प्राइस 590 है, S0 560 है, ठीक है ना, फ्यूचर का एक्सपेक्टेड प्राइसेस दे दिया, अलग अलग प्राइसेस दिया है, प्रोबेबिलिटी दिया है, वो टेबल बना दोगे, 4 column वाला टेबल, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइसेस दे दिया, प्रोबेबिलिटी दे दिया, उसके बाद हर एक केस में कब कब कौन कौन सा केस में एक्सरसाइज होगा, पे ऑफ क्या होगा, फिर पे ऑफ का प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड पे ऑफ वाला चीज, ओके, एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ 3 months, नॉर्मल, ये तो सबमिशन PX वाला सम चीज था, एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ 3 months, ये सबमिशन वाला सम था आपने लिखा ली, नॉर्मल सबमिशन करेंगे। उसके बाद वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन इफ द एक्सरसाइज प्राइस प्रिवेल्स, ओके, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन के लिए कुछ नहीं, इफ द एक्सरसाइज प्राइस प्रिवेल्स, सबमिशन PX वाला चीज किया था आपने, तो यहां पे C0 का जो पे ऑफ आया था उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, सॉल्व करोगे नॉर्मल उसको, ओके, सॉरी वो थर्ड वाला के लिए था, सेकंड वाला में इफ द एक्सरसाइज प्राइस प्रिवेल्स, अगर एक्सरसाइज प्राइस प्रिवेल करेगा तब तो ऑब्वियसली वैल्यू ऑफ द ऑप्शन निल हो जाएगा। ऑन मैच्योरिटी डेट इफ S=E देन द पे ऑफ इज 0 एंड द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन इज 0, तो पार्ट 2 का ऑप्शन निल था। पार्ट 3 के अंदर आपको ऑप्शन का वैल्यू निकालना था, अगर हेल्ड टू मैच्योरिटी होगा तो नॉर्मल एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना था, एक्सपेक्टेड कैश फ्लोस पे ऑफ से प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करके वैल्यू सॉल्व करना था। लेट से वैल्यू आया एग्जाम्पल के लिए रैंडमली अगर 10 rupees आता है, सो नाउ पार्ट 4 वॉज इंटरेस्टिंग, फाइंड आउट द प्राइस ऑफ द शेयर्स एट द स्टॉक एक्सचेंज टू गेट द वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन इज कंप्यूटेड इन 3 अबव। ऑन मैच्योरिटी प्राइस ऑफ द शेयर्स क्या होना चाहिए ताकि आइडियली ये कॉल का वैल्यू हो, तो नॉर्मल सा बात है, ऑन मैच्योरिटी एक्सट्रिंसिक वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू वाला चीज था अपने लिए, ठीक है ना, अपने को पता है टाइम वैल्यू वगैरह सारा हट चुका है अपने लिए, तो ऑन मैच्योरिटी अपने को पता है कि अगर लेट्स से एक्सरसाइज प्राइस मेरा 590 है, 590 है, और अगर कॉल का वैल्यू 10 rupees है, तो कहीं ना कहीं S0 600 rupees होना चाहिए,
तभी एस माइनस ई 10 रुपया आएगा। तो अगर आपने पार्ट थ्री में 10 रुपया निकाला है तो पार्ट फोर में आपको शेयर प्राइस 600 रुपया कैलकुलेट करना था, 590 प्लस 10 रुपया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा छोटू सा वेरिएशन था खाली कि एस माइनस ई होगा पे ऑफ। नाउ एस माइनस ई है ऑन मैच्योरिटी, अगर अपने को पता है कि सी का वैल्यू है 10 रुपया, ई 590 है, तो एस जीरो कितना होना है। ओके, रिवर्स कैलकुलेशन का छोटू सा इंटरेस्टिंग सा वेरिएशन था। वन सी, व्हाट इज द नेट इंटरेस्ट पोजिशन रिस्क एंड प्राइस रिस्क। ये है आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट वाले चैप्टर में, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट वाले चैप्टर में था ये क्वेश्चन। बाय द वे, वन बी का अगर मैं आपको बताऊं ना, दिस इज सिमिलर टू नोटिस करना, दिस इज अगेन एन आईसीआई मैट वाला सम। द रीजन वाई आई वॉज टेलिंग यू कि दिस पेपर वॉज इजी इज नॉट जस्ट बिकॉज आई फेल्ट इट इजी या मैंने सम्स करवाए थे इसलिए मेरे को इजी लग रहा है, बिकॉज नोटिस करो आईसीआई मैट बेस्ड सम्स है। आज बेयर मिनिमम में बच्चा कोई भी और बुक्स कर रहा हो नहीं कर रहा हो कितना भी सम सॉल्व करेगा, कम से कम आईसीआई मैट बेस्ड पास टर्म्स का आरटीपी एमटीबी थोड़ा बहुत देखते हैं, डिट्टो सम था वापस देखिएगा, ठीक है ना। इसमें बस लास्ट वाला फोर्थ वाला पार्ट नहीं था जो थोड़ा सा वेरिएशन था जो बताया आपको। ओके, वन का सी वॉज नेट इंटरेस्ट रेट, नेट इंटरेस्ट पोजिशन रिस्क एंड प्राइस रिस्क। ये दोनों रिस्क अपने लिए, ये दोनों रिस्क अपने लिए इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का नॉर्मल डायरेक्ट थ्योरी में था, जो क्लासेस किए थे उनको थ्योरी में क्लास में लिखवाया हुआ थ्योरी में था, हैंड रिटन वाला नोट्स में है अपना। टू ए में आता हूं, टू ए मतलब वापस आप जब भी म्यूचुअल फंड्स का सम्स करते हो डायरेक्टली डेफिनेटली आप लोगों ने ऐसा सम देखा होगा किया होगा, ठीक है ना। इट्स अ वेरी पॉपुलर सेम टाइप का सम होता है कि नॉर्मल आपने इतना इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, एट द टाइम ऑफ परचेज इतना है, डिविडेंड यील्ड ओके एनएवी ऑन 31/3/22 अपने लिए इतना इतना है, एंड देन एनुअलाइज यील्ड दे दिया। अब आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह खो गया है, आपको ये मिसिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह निकालना है। अगर नोटिस करोगे तो ये क्वेश्चन वापस, अगर नोटिस करोगे तो ये क्वेश्चन वापस, I'll show you, is an ICI mat based question. This was MTP October 2020 also. Figures different है, but notice करिएगा absolutely. खाली एक छोटा सा variation और ये मिलेगा कि यहाँ पे चार सब parts था, उसमें एक और extra सब part है, I think पांच part है। अगर आपने थोड़ा सा भी सम्स प्रैक्टिस किया होगा, खास करके मैट के सम्स, आईसीआई मैट के सम्स, हमारे मैट, कोई भी टीचर के स्टैंडर्ड मैट सम्स किए होंगे, इट इज वॉज अ इजी पेपर विदाउट अ डाउट। ओके, अगर आप नंबर ऑफ यूनिट्स अलॉटेड, नंबर ऑफ यूनिट्स पहला वाला पार्ट, सो सेकेंड एनएवी, होल्डिंग पीरियड ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स, टोटल यील्ड, टोटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, टोटल यील्ड एंड नंबर ऑफ डेज होल्डिंग पीरियड। खाली डेट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट बैक कैलकुलेशन चाहिए था, होल्डिंग पीरियड मिल गया तो बैक कैलकुलेशन से ओरिजिनल डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक एक्स्ट्रा पॉइंट था, पॉइंट नंबर फोर। अगेन अ डिटो सम विद आईसीआई मैट बेस्ड, जो आईसीआई मैट का डिटो सम्स है उसको नहीं सॉल्व कर रहे हैं या उसका थोड़ा एक्सप्लेन आंसर्स का सोल्यूशन कम दे रहे हैं क्योंकि वो आपको डायरेक्टली आईसीआई मैट में दिख रहा होगा। ओके, जो नहीं होगा उसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा। इसका दो और पार्ट है, अज्यूमिंग पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ ऑल थ्री स्कीम्स विल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट वन ईयर, व्हाट एक्शन द इन्वेस्टर शुड टेक, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर द नेक्स्ट वन ईयर आफ्टर द फ्रॉम द अबव एक्शन। तो नॉर्मल पास्ट रिटर्न के हिसाब से अगला साल का रिटर्न सिमिलर होने वाला है, तो आज अगर इन्वेस्ट किया है तो आने वाले यहां से ओरिजिनल रेट से यहां तक का तो इन्वेस्टमेंट हो गया, अब यहां से अगले एक साल का क्या होगा परफॉर्मेंस, उसके हिसाब से मेरे लिए क्या रिटर्न आने वाला है। Will your answer in point number 6 change if the mutual fund charges exit load of 5% if the investment is redeemed within 1 year? If so, advise the investor what and when the action should be taken to optimize the returns. अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर अपने exit load 5% होगा, if withdrawn within 1 year, तो वो 1 year वाला चीज देखना पड़ेगा। अगर 1 year के अंदर हो रहा होगा अपने लिए exit load 5% बढ़ जाएगा तो effectively return कम आ रहा होगा, तो
तीनों का रिटर्न देखेंगे, पीरियड देख रहे होंगे, उसके हिसाब से एडवाइस द इन्वेस्टर व्हेन एंड व्हाट एक्शन शुड बी टेकन, कि अगर ये वाला फंड में है तो आपको और इतना दिन होल्ड करके फिर उसके बाद विड्रॉ करना चाहिए, ताकि ऑटोमेटिकली एग्जिट लोड अपने लिए अप्लाई नहीं हो रहा हो, दैट काइंड ऑफ थिंग। टू बी, ये सेम चीजें, ऐसी ऐसी गलतियां आईसीआई करता रहता था। आई एम श्योर अब भी दिख गया होगा, बीटा 0.1 बगल में, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट दिख रहा है वो 9.5% है। सेम डिटो डिटो सम्स वापस, आई एम श्योर ऐसा दो सम्स होता है जो जनरली हर एक आईसीआई मैट में, टीचर्स के मैट वगैरह में दो सिमिलर टाइप का सम होता है। ओके दिस इज द टफर वाला सम, ऑब्वियसली इसका एक इजियर वर्जन भी होता है, ठीक है ना। तो नॉर्मल है कैपेक्स डेपरी एफ सी एफ एफ निकालने का सम है, नॉर्मल एफ सी एफ एफ निकालोगे, के ओ निकालना है, के ई निकालेंगे अपने, एफ सी एफ एफ है के ओ निकालेंगे, और उसके हिसाब से के ई के ओ निकाल के ई के डी निकालेंगे, के ओ निकालेंगे। डेट इक्विटी का रेशियो दिया हुआ है, डेट रेशियो दिया हुआ है 43%, इक्विटी का रेशियो प्रोपोर्शन हो गया अपने लिए 57%। तो डेट का रेशियो, इक्विटी का रेशियो, के ई निकलेगा, के डी के लिए अपने को के डी का अपना इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ था, आरएफ दिया हुआ था अपने लिए, आरएफ आरएम दिया हुआ था, बीटा दिया हुआ था, वहां से अपना के ई निकल रहा था। तो यहां से एफ फ्री कैश फ्लोज निकालते हैं, फ्री कैश फ्लोज के बेसिस पे वैल्यू ऑफ द शेयर्स निकल रहा था। फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी वाला मेथड से सॉल्व करेंगे, फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी वाला मेथड से, एफसीएफई वाला मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। एक्सप्लेन द आउटकम्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, ये बड़ा इंटरेस्टिंगली इन्होंने क्वेश्चन को फ्रेम किया। ये चैप्टर वन जो है आपका आईसीएम एड का, अगर बात करें फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, उसका एक पैराग्राफ है, फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी का एक पैराग्राफ है खाली, आई थिंक सेकेंड या थर्ड पेज पे है, फाइनेंशियल आउटकम्स, कि अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो उसके बेसिस पे ऑब्जेक्टिव सेट होगा, फाइनेंशियल डिसीजन ले पाएंगे, फाइनेंशियल इवेल्युएशन वगैरह कर पा रहे होंगे। सो दैट इज द आंसर दैट दे वर लुकिंग फॉर हियर। GDR वाला सम बैचेस को जब रिसेंटली पढ़ाया भी था इन द लास्ट टू इयर्स, हर बार अपने बोल रहे हैं कि दिस हैज बिकम अ इंटरेस्टिंग सम, जो अपने हर दो तीन टर्म में एक बार डेफिनेटली आ ही रहा है, कई बार रेपिटेटिवली बैक टू बैक भी आ रहा है। तो अच्छा इंपॉर्टेंट सम है जो आपको देखा हुआ होना चाहिए, यहां पे आ गया था वापस GDR वाला सम। एंड GDR के सम्स एकदम स्टैंडर्ड सम्स आ रहे हैं, एकदम स्टैंडर्ड है अगर आप नोटिस करोगे। अच्छा ये फाइनेंशियल पॉलिसी वाला प्लानिंग वाला देखो, outcomes of financial planning are financial objectives, financial decision making, financial measures for evaluations. Okay. ये GDR के दो सम से इस टाइप के देखना, दोनों ऊपर वाला सम भी सेम डिट्टो सम है, नीचे वाला सम भी डिट्टो सम्स है, दोनों एकदम ऑलमोस्ट रेप्लिका सम्स है, 28, 29, इनफैक्ट इवन 30। It's absolutely some, तीन सम कर रहे थे अपने लोग क्लास में इस टाइप का। नोटिस करिएगा, स्काइला को 20 मिलियन फंड्स का दरकार है, नेट ऑफ इश्यू एक्सपेंसेस। इसमें एक पार्ट नया था, वेलकम टू दैट पार्ट, विच अमाउंट टू 3% ऑफ द इश्यू साइज। ओके, फ्लोटेशन कॉस्ट इज 3% हो गया यहाँ पे। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड, द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ GDR इज 300 रुपया। ओके, थ्री शेयर्स विल बी गिवन फॉर वन
three shares will be equivalent to one GDR, price at 10% discount to market price, expected exchange rate is 75 per dollar, 20% dividend is expected to be paid for next year with growth rate of 15%. Okay. You're required to compute the number of GDRs to be issued and the cost of GDRs. Now, the number of GDRs to be issued, ye normal standard sum tha, yahan pe koi dikkat nahi tha. Cost of GDR, ye percentage mein nikalta hai, yahan tak koi dikkat nahi tha. Okay. So, the number of GDRs to be issued, you can easily calculate back calculation se. ठीक है ना, इशू प्राइस निकालते हैं, प्रोसीड्स निकालते हैं और उसके हिसाब से डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं अपने को कितना पैसा चाहिए नेट, खर्चा वर्चा माइनस करके कितना पैसा आना चाहिए. ठीक है ना, सो बैक कैलकुलेशन से सॉल्व करने का ये स्टैंडर्ड सम था अपना. कॉस्ट ऑफ जीडीआर निकालते हैं नॉर्मल के ई वाला फॉर्मूला से. अब उसके बाद बोला इफ द कंपनी इज एबल टू रेज द फंड्स इन यूएस एट द रेट ऑफ 4% पर एनम एंड द कंपनी इज एबल टू रीपे द लोन अलॉन्ग विद इंटरेस्ट फ्रॉम द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेशंस, व्हाट इज योर एडवाइस टू द कंपनी. तो बोला ये खाली एक पैराग्राफ अपने लिए नया था कि अगर अपने जीडीआर इशू करते हैं तो अपने लिए कितना खर्चा आ रहा है, लेट्स से 10% आ रहा है. तो फिर ये बोल रहा है कि अगर हम लोग को 4% पे ही पैसा मिल सकता है यूएस में और वो जो 4% पे जो पैसा मिलेगा उसको हम लोग नॉर्मल ऑपरेशन से चुका भी लेंगे, तो फिर नया इक्विटी इशू करके, बिकॉज जैसे ही नया इक्विटी इशू करेंगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का डाइल्यूशन होगा, सो देन ऑटोमेटिकली वी कंपेयर 4% विद कॉस्ट ऑफ जीडीआर, जो खर्चा कम होगा कंपनी के लिए ऑब्वियसली दैट इज अ बेटर ऑप्शन, दैट इज वॉट योर एडवाइस विल बी. सो यू हैव टू कंपेयर 4% विद द कॉस्ट ऑफ जीडीआर एंड देन अकॉर्डिंगली गिव योर सजेशंस. ओके, नेक्स्ट, दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग सम, जय वाला एक सम होता था जो क्लास में हम करवाते थे. दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 3A ना, 3B. ये एक जय वाला सम होता था. आई शो यू, ये जय जय जेके स्टॉक का प्राइस दिया हुआ है, स्टॉक का डिविडेंड दिया हुआ है. तो स्टॉक का प्राइस का चेंजेस से और डिविडेंड से आपको स्टॉक का रिटर्न मिलेगा. मार्केट का प्राइस चेंजेस है, मार्केट का डिविडेंड ये ले, उसे मार्केट का रिटर्न मिलेगा. तो आपको जेके का रिटर्न मिल जाएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो एक्चुअल रिटर्न्स है, मार्केट का रिटर्न्स मिल जाएगा, रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स मिल जाएगा अपने को, रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स अपने लिए आरएफ हो गया. और फिर बैक कैलकुलेशन से अपना बीटा कैलकुलेशन से होता था इसके अंदर. नोटिस करिएगा एकदम डिटो सम्स था, कंप्यूटर बीटा एट द एंड ऑफ द ईयर, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन. ये नॉर्मल बीटा कैलकुलेट करने का सम था, बैक कैलकुलेशन से करते थे. स्टॉक का प्राइस और डिविडेंड से स्टॉक का रिटर्न निकल जाता था, आरएफ निकल जाता था, बैक कैलकुलेशन से बीटा निकाल रहे होते थे. What are FCCBs and their advantages? Class में types of bonds के अंदर ये discussions में theory में लिखवाया था, but it's a smaller topic. अलग से बहुत detailed discussions हमने book में भी नहीं है, ICICI MAT में short discussions है इसके ऊपर. अपन ने भी short discussions किया था class में, short write up इसके लिए लिखवाया था आपने. Convertible bonds, FCCBs वैसे पढ़ने को first time आप inter में भी पढ़े थे, जो लोग smartly पढ़ रहे हो सीए इंटर में भी आप FCCBs पढ़ते हैं, फाइनल में तो जाने की था ही डिस्कशंस के अंदर अपना. 4A में आ रहा हूं ना. 4A वॉज अगेन कॉर्पोरेट वैल्यूएशन वाला सम था अपना. यहां FCFF से सॉल्व करने वाला सम था. अपने को कॉस्ट ऑफ डेट दे दिया था इक्विटी के लिए, बीटा दे दिया, आरएमआरएफ वगैरह दे दिया था, केओ निकल जा रहा था अपने लिए. उसके बाद नॉर्मल ग्रोथ रेट्स वगैरह दे दिया था, हाई ग्रोथ रेट का अलग पीबीआई, टू स्टेज डीडीए, टू स्टेज वाला एफसीएफएफ है ये अपने लिए, टू स्टेज एफसीएफएफ. तो पहले एक हाई ग्रोथ पीरियड है विच इज फॉर 3 ईयर्स, क्या 3 ईयर्स, और फिर कॉन्स्टेंट ग्रोथ मॉडल है. तो 3 ईयर्स यानी 4 साल का कैश फ्लो, 4 साल का एफसीएफएफ बना के उसके बाद 3 साल को अलग पुल करके फोर्थ ईयर का वैल्यू निकाल के, टर्मिनल वैल्यू निकाल के उसको पुल करके ऐड करके आज का वैल्यू ऑफ द फर्म निकल रहा था. दिस सम इज अगेन सिमिलर टू एन आईसीआई मैट वाला सम. देखो थोड़ा सा फर्क कहां पे था, खाली
कि यहाँ पे आईसीआई मैट के अंदर में नॉर्मल रेवेन्यू कॉग्स वगैरह दिया हुआ था, उससे यहाँ पे ईबीआईटी वगैरह दिया हुआ था, दैट्स हार्डली अ डिफरेंस. बाकी मोर ऑर लेस सेम डिटेल्स वगैरह था, खाली यहाँ पे डिटेल्स वगैरह पैराग्राफ में दिया हुआ था अपने को टेबल की जगह. इट्स सिमिलर आईसीआई मैट वाला सम था. वापस देखो यही चीज बार बार समझाना चाह रहा है कि इस पेपर के अंदर काफी सारे ऐसे सम्स जो आईसीआई मैट से थे सिमिलर. सो दैट इज वाई एनी स्टूडेंट किसी से भी पढ़ा होगा तो उसको इजी लगा होगा. हमारे स्टूडेंट्स को तो डेफिनेटली आई होप आपको इजी लगा होगा बिकॉज वी हैड डन ऑल दीज सम्स. ये सारे अपने क्लास में करवाए हुए सम्स है. ओके, 4B में आते हैं. म्यूचुअल फंड का और एक सम था ये अपना. म्यूचुअल फंड का न्यू फंड इन्वेस्टमेंट वाला है, न्यू फंड है एंट्री के टाइम में, यही अपना इन्वेस्टमेंट्स है. उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर इतना डिविडेंड हुआ, इतना रिसीव किया, इतना अपने इंटरेस्ट वगैरह है. फाइनली लास्ट के अंदर बोला एनएवी क्लोजिंग वाला निकालना है अपने को. अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया तो एनएवी कितना होगा, और अगर इन्वेस्टर है तो उसका एनुअलाइज रिटर्न क्या होगा इन्वेस्टमेंट पीरियड का. नोटिस करना, इसका आई थिंक दो सम से हम लोग करते थे ऐसा. This is one sum very similar that we used to do. I'm sure इस type का बहुत सारा sums आप लोगों का खुद का भी देखा हुआ होगा ICAI mat में, back sums में. So you normal had investments का एक classification दिया हुआ था during the year, इतना इतना ऐसे ऐसे हमने पैसा receive किया है, इतना इतना investments किया, ये returns आया. अब finally क्या करना है, एनएवी क्लोजिंग कितना होगा, और अगर इतना इतना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है तो एनएवी अब कितना होगा. आईसीआई मैट का समय नोटिस करिएगा. दैट इज व्हाट मेक्स दिस पेपर रियली स्टूडेंट फ्रेंडली इजी, क्योंकि मेजॉरिटी सम्स आईसीआई मैट बेस्ड है. मतलब हमारे मैट्स में तो था ही, बट ये साथ साथ में रेफरेंस दिखा रहा है कि आईसीआई मैट बेस्ड है. बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन भर भर के बार बार बोला था स्टूडेंट्स को पढ़ाते टाइम सिक्योरिटाइजेशन को, कि एक क्वेश्चन आता है और ये तीन चार क्वेश्चन में से एक आता है, जब पता है आना है तो क्यों ना ढंग से करके जाएं, ठीक है ना. रेपिडेटली डिस्कस किया था हम लोगों ने बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन. डायरेक्ट क्वेश्चन है अपने आईसीआई मैट में भी है, अपना मैट का भी वी हैड एज इट इज इन द मैट. बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं. मर्जर मतलब कोई भी सीए फाइनल का बच्चा जो मर्जर चैप्टर किया होगा उसमें इस टाइप का सम तो कितना ही, मतलब कर करके थक जाते थे हम लोग. लिटरली ये होता था वर्बली सम करना शुरू कर देते थे. पीबीटी दिया, नंबर ऑफ शेयर्स दिया, पी रेशियो दिया, टैक्स रेट दिया, पैट निकला, मार्केट वैल्यू ऑफ बोथ द कंपनीज अलग अलग निकला, वैल्यू ऑफ ओरिजिनल शेयर होल्डर्स निकला, प्राइस पर शेयर आफ्टर मर्जर, इफेक्ट ऑन बोथ द कंपनीज. इफेक्ट निकालना है. अगर ओन पी रेशियो टू बी अप्लाइड ऑन कंबाइंड अर्निंग्स है, यहां तक आयत भी इजी कर दिया, तो जो कंफ्यूजन वाला पार्ट होता था कई बार स्टूडेंट्स के लिए वो भी क्लैरिफाई किया हुआ था. एब्सोल्युटली डिटो सम, मतलब एक नहीं कई बार ये सेम टाइप का सम्स आपका किया हुआ होगा. द मोस्ट कॉमन वाला एक दिखा देता है आपको, एंड टू बी शॉक्ड इट इज अगेन सिमिलर टू आईसीएम एट बेस सम्स. सेम रिक्वायरमेंट्स था. यही दिखाने के लिए ये रिकॉर्ड कर रहा था, वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करवाना चाह रहा था कि क्वेश्चंस बहुत सारे आईसीआई मैट से सिमिलर होते हैं. ऑब्वियसली सिमिलर होते हैं, वेरिएशंस होता है, उनको सॉल्व करना सीखना, वी डिस्कस ऑल दैट इन क्लासेस, दैट इज डिफरेंट. बट वो सारा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड हो, एक जगह किया हुआ हो प्रॉपरली, तो आपके लिए बहुत स्मूथ होता है प्रिपरेशन करना. फाइव बी देखते ही मतलब यू नो यू फील लाइक स्टार्टिंग ऑफ. ई एम ए वाला सम, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिक्योरिटी एनालिसिस वाला पार्ट में करते थे, ठीक है ना. तो नॉर्मल ई एम ए का सबसे पहले ई एम ए का फैक्टर निकालने के लिए बोला है, वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट निकालना था अपने को, और फिर उसके बाद ई एम ए सॉल्व करके कैलकुलेट करना था. ई एम ए का सम आते ही आई एम श्योर यू वुड हैव फेल्ट वेरी कॉन्फिडेंट विद दिस. दिस इज डेफिनेटली अ वेरी ईजी वाला पार्ट था. सेम सम्स ईएमए वाला जो करते थे उसमें खाली ईएमए का एक्सपोनेंट दिया हुआ होता था, इसमें एक्सपोनेंट भी अपने को फॉर्मूला डाल के खाली सॉल्व करना था, खाली उतना सा फर्क आ रहा था. वापस ऑब्वियसली आईसीएम मैट में सिमिलर सम था.
द सी पार्ट इज रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर के अंदर था आपने लिए, कंप्लायंस रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क. कंप्लायंस रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क डायरेक्टली अपने मैट में था, रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर में था. लास्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स में आते हैं. सिक्स ए पोर्टफोलियो का एकदम इजी वाला चैप्टर था जहां पे खाली कॉव और आर निकालना था अपने लिए, कोवेरियंस एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट सॉल्व करना था अपने को. एकदम डिट्टो सम था, एकदम डिट्टो सम. मेरे मैट में तो था ही, बट आईसीआई मैट में था ये दिखाना चाह रहे थे आप लोगों को. डिट्टो सम था आईसीआई मैट के अंदर. वापस सिक्योरिटी वन सिक्योरिटी टू सारा दस दस पीरियड का, टेन इयर्स का रिटर्न्स दिया हुआ था आपको. कोवेरियंस निकालना था, कोरिलेशन कोएफिशिएंट सॉल्व करना था, आर निकालना था. सिक्स बी फॉरेक्स का सम था अपने लिए, फॉरेक्स बेस्ड डेरिवेटिव्स जो अपने करवाते थे आपको. सो दिस वाज डन इन फॉरेक्स बेस्ड डेरिवेटिव्स बोल के जो अपने करते थे इसको साथ में, ठीक है ना, कि बेसिकली कैप फ्लोर एंड कॉलर वाला एक्चुअली डेरिवेटिव्स का ही पार्ट था, बट फॉरेक्स बेस्ड डेरिवेटिव्स वाला पार्ट था. तो यहाँ पे आप एक कॉलर कर रहे थे, कॉलर यानी सेलिंग अ फ्लोर एंड बाइंग अ कैप, सेलिंग अ फ्लोर एंड बाइंग अ कैप एकदम लास्ट में करवाता था फॉरेक्स डेरिवेटिव्स के बाद, फॉरेक्स बेस्ड डेरिवेटिव्स. ओके, प्रिंसिपल अमाउंट स्ट्राइक रेट दिया हुआ था दोनों का, प्रीमियम नील होता था हमेशा आपस में, सेट ऑफ वाला चीज था. रीसेट डेट्स दिया हुआ था अपने लिए, और फिर इफेक्टिव इंटरेस्ट और एवरेज ओवरऑल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, दो चीज बोला एकदम. नोटिस नाउ एकदम डिटो फिगर्स को छोड़ के, सेलिंग अ कॉलर है, सेलिंग अ कॉलर यानी सेलिंग अ कैप बाइंग अ फ्लोर था, सॉरी सेलिंग अ फ्लोर एंड बाइंग अ कैप था अपने लिए. उसके बाद नोशनल प्रिंसिपल दे दिया, प्रीमियम जीरो था. जीरो क्यों है? बिकॉज दोनों आपस में ऑफसेट करेगा. रीसेट डेट्स दिया, नीचे नोटिस करिएगा, दो ही चीज सॉल्व करना था आपको इसमें, दो ही चीज. क्या दो ही चीज? दो ही चीज निकालना था आपको इसमें, इफेक्टिव इंटरेस्ट एंड एवरेज एनुअल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पर एनम. सिक्स का सी में दो पार्ट था, एंजल इन्वेस्टर्स जो अपने लिए, एंजल इन्वेस्टर्स स्टार्टअप वाले चैप्टर में था, और स्टार्टअप का क्राइटेरियाज, दोनों स्टार्टअप वाला चैप्टर का दो पार्ट था अपने लिए. डायरेक्ट थ्योरीज था बुक से, थ्योरीज अगर बुक से पढ़ा हुआ होगा बहुत इजीली स्कोर कर पा रहे होंगे. ओके, नॉट दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट इट्स रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड डायरेक्ट फ्रॉम द मैट्स. हम ये समझाना चाह रहा था इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को कि आईसीआई मैट पास्ट क्वेश्चंस वगैरह ये प्रॉपरली अगर प्रैक्टिस किया हुआ हो इन एडिशन बहुत हेल्प होता है, ठीक है ना. अपने ऑब्वियसली कवर कर रहे थे हमारी क्लासेस में, डेफिनेटली वो उससे कहीं ज्यादा वेराइटी ऑफ सम कर रहे हैं क्लास में, तो डेफिनेटली वो सारा अपने लिए अच्छे से कवर्ड था ही. एंड आई एम श्योर जो स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडीज भी कर रहे होंगे अगर, तो उनके लिए भी ये बहुत कंफर्टेबल पेपर रहा होगा. आपने अगर मई 22 में अटेम्प्ट लिया था, आपके लिए ये पेपर कितना ईजी रहा या कंफर्टेबल रहा या कैसा रहा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा. अगर आप नवंबर 22 या ऑनवर्ड्स एग्जाम्स देने वाले हैं, सो डेफिनेटली आपके आईसीआई सम्स पास टर्म्स आरटीपीज एमटीपीज देखे हुए होने चाहिए. अगर नहीं देखे हुए हैं सो प्लीज डेफिनेटली इंश्योर आप उन्हें देख लें. एंड पीपल हु आर अपियरिंग 23 और ऑनवर्ड्स, प्लीज मेक श्योर दैट व्हेन यू प्रिपेयरिंग योर प्रिपरेशंस आर कॉम्प्रिहेंसिव. वी आर वन थिंग इज वन फॉर श्योर दैट वी इन टेक केयर ऑफ variety of sums at least from the most comprehensive manner that is possible. We ensure jitna bhi variety of questions aapke liye exam mein aaya hai, aa sakta hai, relevant rehta hai, haan? Varna to infinite is the variety, but relevant rehta hai, wo sab apne karte hain while we doing the classes, and sara classworks hai, homeworks hai, ek ek sum solve karte hain. Additional self-practice sums alag rehta hai, but solve karte hai. That is why it takes more number of classes, but it's worth the pain. That's what students have always told me. फ्रेश न्यू SFM लाइव बैचेस स्टार्ट करेंगे हम लोग, वी स्टार्टिंग ऑफ इन जून. सो इफ सम पीपल आर प्लानिंग टू टेक SFM क्लासेस, लेट्स से फॉर 23-24 एंड देयर फाइनल्स आर ड्यू, इफ यू हैव प्लान्स टू टेक अप लाइव क्लासेस, बिकॉज लेंदी होगा अगर किसी का 22 है अभी तक ले चुका होगा, नहीं लिया है तो प्लीज रिकॉर्डेड लेना, लाइव मत लेना कोई का. सो इफ समबडी प्लान्स टू टेक अ लाइव क्लासेस, बिकॉज ऑब्वियसली लाइव विल बी एट अ स्मॉल स्लोअर पेस, रिकॉर्डेड ज्यादा फास्टर, आप अपने कन्वीनियंस पे देख सकते हो. लाइव क्लासेस जून से शुरू कर रहे होंगे, सो इन केस यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट ऑफिस ऑन द गिवन नंबर्स.
SFM is not important. It's very important because it's the base. Theek hai na? Finance is the lifeline of every business. It's going to be a very important from your career perspective. So build good concepts. Build a good base in SFM. That will automatically help you eventually in the long run. Not just in clearing the paper, but eventually in long run as well. So I hope you found the video useful. Please give us a feedback, and that will also encourage us to create more such feedbacks for you all. I hope the ones who had appeared for May 22 find the video helpful, the analysis, and we wish them all the best for their exams. And I wish happy studying for the ones appearing in November 22 and onwards. We'll keep coming up with more such videos. Till then, thank you everyone.